पिता के बीमार होने पर हमीरपुर के बाजार में फास्ट फूड की रेहड़ी चलाकर राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नेहा सिंह की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब आगे आई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने नेहा सिंह और उनके परिजनों से मुलाकात की। वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने रेहड़ी पर पहुंचकर कांग्रेस की तरफ से उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि प्रदेश में सत्ता में आते ही नेहा के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। 21 दिन के भीतर नेहा सिंह के परिवार की मदद करने का भी दावा किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नेहा सिंह के पिता चंद्र सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और वे हमीरपुर बाजार में फ्राई मछली की रेहड़ी लगाते थे। पिता के बीमार होने के बाद नेहा सिंह अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर रेहड़ी चला रही है। बेहद दयनीय हालत में ये परिवार एक झुग्गी में रहता है। प्रशासन की तरफ से परिवार को भूमि ही होने पर 4 मरले जमीन जिला मुख्यालय के समीप आवंटित की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने को स्वीकृत मिलने पर आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। आर्थिक हालत बेहद खराब होने के चलते ये नेशनल खिलाड़ी रेहड़ी से ही परिवार का पेट पालने पर मजबूर है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के निर्देश पर वे परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश है कि परिवार की हालत की विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से परिवार को यथासंभव मदद की जाएगी तथा प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद नेहा सिंह के लिए सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि नेहा सिंह जैसे कई खिलाड़ियों को ऐसी परेशानी ना हो। ध्यान में ये मामला आया था कि एक बच्ची जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नेहा सिंह ने प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश का किया, आज वो हालात से मजबूर होकर जो है वो एक अपना जीवनोपार्जन के लिए संघर्ष कर रही है और रेडी चला रही है। उसके परिवार के हालात भी ठीक नहीं है। ये मामला जब हमारे ध्यान में आया तो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी के आज सुबह ही मुझे निर्देश हुए कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ जाकर वहाँ की पूरी जो वस्तु स्थिति है उसका आंकलन करिए और एक रिपोर्ट जो है वो प्रदेश कांग्रेस को सौंपें ताकि उचित सहायता जो भी हमारी तरफ से है वो इनकी की जा सके। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो वर्तमान में जिस तरह हम अपोजिशन में हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से जो सहयोग यथासंभव होगा हम इनका करेंगे। मैं इनकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ये देख कर के कहाँ कहाँ इनको ज़रूरत है उन विषयों के ऊपर, चाहे इनको जैसे इनके पिताजी जो हैं वो बीमार हैं उनको दवा की ज़रूरत है, इनको घर बनाने की ज़रूरत है, या और भी इनकी छोटी बहन जो है वो कॉलेज पढ़ रही है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब विषयों को लिखकर हम जो हैं वो प्रदेश कांग्रेस को भेजेंगे। वहाँ हमारी जो माननीय अध्यक्ष जी ने गांधी हेल्पलाइन बनाई है उसके माध्यम से जो भी हेल्प होगी, जो यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा सहायता होगी वो इनकी हम करेंगे। दूसरा संदेश जो माननीय कुलदीप राठौर जी ने दिया है वो स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार आने के बाद कांग्रेस की 2022 में निस्संदेह सरकार आ रही है, वो आने के बाद हम ऐसे सभी जितने भी संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हिमाचल का प्रतिनिधित्व किए हुए खिलाड़ी उनके लिए जो है वो नौकरी का प्रावधान करेंगे, एक विशेष योजना बनाएंगे। ऐसी योजना बननी चाहिए जिस योजना में ऐसे जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं चाहे वो भाषा कला संस्कृति से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जीवनोपार्जन के लिए संघर्ष ना करना पड़े, उनको सरकार का दायित्व है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया पूरे देश में, उन लोगों को अगर ऐसा संघर्ष करना पड़े तो ये निस्संदेह सरकार की नाकामी गिनी जाती है। हमारी सरकार आने के बाद हम ये सुनिश्चित बनाएंगे कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना सरकारी नौकरी के ना छूटे और उसके लिए जो है वो जीवनोपार्जन का पूरा साधन जो है वो दिया जा सके, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नेहा सिंह ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उनकी मदद के लिए कोई ना कोई आगे आ रहा है, इस बात की उन्हें खुशी है। अभी किसी भी तरफ से मदद उन्हें पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जरूर नेता मिलने पहुंचे हैं। इस बात का उन्होंने
दुख है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से आज तक उनकी मदद या बातचीत करने भी कोई नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से मदद करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, जिसका वे शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी ये सर भी आए हैं ना, तो मुझे खुशी है कि मीडिया के माध्यम से हमारी हेल्प भी की जा रही है, कि करेंगे, हेल्प करेंगे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे थोड़ा इस चीज़ का दुख भी हो रहा है कि मतलब कि बोलते ही हैं सभी कि हाँ मदद करेंगे, ये करेंगे, पार्टी वगैरह के जितने भी हैं, पर कोई नहीं आया, सिर्फ ये कांग्रेस की तरफ से ही आया अभी तक। बाकी देखते हैं अब, तो किसी ने नहीं किया ऐसा। बाकी जो हमारी प्रधान रह चुकी थी रीटा खन्ना, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी पहले जब वो प्रधान रह थी। अब जो है हमारे प्रधान है सिम्मू, उन्होंने तो इवन को उनको पता भी है कि हम इस हालात में हैं, तो फिर भी उन्होंने एक बार देखा नहीं कि भी बीमार है ये, फिर पापा को भी नहीं देखा ना घर देखा। यही है, कोई नहीं आया मदद के लिए।